भैया संतरे गया माँ ए भाई इच्छा चार मुड़ी वाला आदमी दुआरे खड़ा बा तुहार दर्शन चाहत बा माई कहीं बेटा अपन नाम ओम बा संतरी कहे समाई ओकर एक नाम नहीं बा ओकर कई नाम बा वो अपना आपके ब्रह्मा बतावत बा सृष्टि कर चैता बतावत बा अज बतावत बा चतुरानन बतावत बा इहे तक ना वो अपना आपके सरस्वती पद भी बतावत बा तब तो माँ का अंतर्भवानी मुस्कुराती है हंस कर कही अरे बेटा रजो गुड़ी तमो गुड़ी बात पर गौर करिएगा रजोगुड़ी तमोगुड़ी कभी न दर्शन पाए माई माँ ने कहा जा बेटा उस ब्रह्मा से कह दे कि मैं रजोगुण वालों को दर्शन नहीं देती हूँ कभी नहीं देती हूँ अब संतरी आये कहे भैया ए भैया ए भैया बारे बहादुर अब इनसे बेटा वो समय चलत रही भैया अंग्रेजी दर्शन नहीं किया कैसे लौट जाई ब्रह्मा जी कहे लौट जाई शंकरी कहा देख माई का कहना बा कि मैं रजो गुण वालों को दर्शन कभी नहीं देती हूँ। ए बदे भैया जा लवट जा दर्शन मिले उले ना। ब्रह्मा जी आए भगवान विष्णु के पास खड़े हो गए भोलेनाथ कहाँ का भैया दर्शन मिला ब्रह्मा जी कहाँ दर्शन तो नहीं मिला भोलेनाथ कहाँ बस अब हम जा भोलेनाथ भी मारे खुशी में पहुंच गया दर्शन करने तुम्हारा कामता भवानी ने ब्रह्मा को यह कहकर खेदवा दिया कि मैं रजो गुण वालों को दर्शन और भगवान भोले बाबा को ये कहलवा कर खेदवा दिया कि मैं तमो गुण वालों को दर्शन नहीं देती हूँ अब ब्रह्मा दर्शन नहीं पाए भोलेनाथ दर्शन नहीं पाए अब बचन भगवान विष्णु जी तो बड़ा सोच में पड़ गए गीत लगत भैया सोच में पड़ गए बड़का भैया गए सत्तमो गुड़ी कहीं के खेत दिया गए भोलेनाथ गए तो रजोगुड़ी कहकर खेत दिए गए असली रूप में मैं भी जाऊं तो कतौ माई कांता भवानी हमहू के न भगवाई दे हमहू के न खेदवाई दे क्यों ना मैं अपना रूप चेंज कर लूं भगवान विष्णु कैलन का अरे लक्ष्मीसा जानावा हो लक्ष्मीसा जानावा लक्ष्मीसा जानावा हो लक्ष्मीसा जानावा राम रूप धार चले लक्ष्मी
बनने चल दिए, लेकिन जाते जाते बाबू अपना रूप बदल लिए, भगवान विष्णु भगवान राम का रूप बना लिए। और जब राम का रूप धारण करके द्वार पर पहुंचे तो संतरी जाकर के माँ कामता भवानी को सुनाया, माँ अयोध्या से राम आपका दर्शन चाहते हैं। माँ कामता भवानी जब सुनी है कि अयोध्या से राम आए हैं, तो कभी जी ने लिखा कि सतो गुण वाला आया छोड़ली या सनवा। माँ कामता भवानी द्वार पर आ जाती है और आवाज लगाती है, अरे बेटा राम आ गए, आ जाओ मेरे लाल, मैं तुम्हें गले से लगा लू। माँ कामता भवानी प्रभु श्री राम को गले से लगाती है और हाथ पकड़ कर गुफा में ले गई। कुछ देर बाद चीत हुई, अब कुछ देर के बाद भगवान राम कहा, माई बड़ा टाइम होएगा, अब हम घरे जाओ। माँ ने कहा, बेटा घर जाएगा तो ठीक है, लेकिन आया है तो माँ से कुछ प्रसाद लेकर ही जाना। तो हाँ ठीक बाबाई, जैसा तुहार आज्ञा। माँ कामता भवानी प्रभु राम को प्रसाद दे रही है, लेकिन प्रसाद के रूप में दे क्या रही है, भाव बदल गई। अरे तो हगे चढ़ाई बे मतारी बहिन बहुत मठार के गावेली, और खास तौर से माझी लोग गावेले बारे भैया, लेकिन भाव में कहना भैया, दरअसल दिखवाली हो झट से सिर में हाथ लगाकर बाबूजी अपने सिर का एक बाल उखाड़ती है और उस बाल को अपनी शक्ति से फूल बना देती है और वही फूल भगवान राम को दे देती है। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, माँ कामता भवानी का पैर छुए और प्रसाद लेकर के बाबू गुफा के बाहर आ गए। जब 4, 6, 7, 8 कदम आगे चले गए तो राम का रूप छोड़कर भगवान विष्णु अपने रूप में हो गए, पहुंच गए भोलेनाथ ब्रह्मा के पास। भोला काय का बड़का भैया दर्शन मिला। विष्णु भगवान हंसने लगे, कहे अरे पगलू, अगर दर्शन न मिलत तो हाथे में फूल कहाँ से आवत, दर्शन न मिला हो ते चेहरे पर मुस्कुराहट कहाँ से आती। तब तक भोलेनाथ कहे तू डबल खा।